हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज इस वीडियो में मैं आपको बटर स्कॉच स्पंज बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बिना दही से बनाया है, देखिए उतना ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बना है। आप अगर दही यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। वैसे मैं इंस्टेंट दही यूज़ करती थी जो मैं विनीगर से बनाती थी। आज मैंने इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मिल्क से मैंने बनाया है इसे। मैं फर्स्ट अपना ओवन प्रीहीट करने रख दूंगी 180 डिग्री में। अब हम अपना इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट मैदा लिया है 250 ग्राम। हम इसे अच्छे से छान लेंगे। हमें हमेशा सब छान के ही लेना है ताकि हमारे बैटर में कोई भी लम्स ना रहे। मैदा नहीं छानेंगे, इसमें थोड़ा दाना दाना सा रहता है तो क्या होता है कि बैटर अच्छा नहीं बनता है, इसलिए आप छान के लीजिए। एंड जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हैं सब रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। आप अगर सब फ्रिज में रखते हो तो आप उससे वन आवर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। मैं ये लूँगी 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ज़्यादा लेना होता है, बेकिंग सोडा कम लेना होता है। बेकिंग सोडा ज़्यादा होने पे वो केक करवा हो सकता है, इसलिए वो थोड़ा कम लेना है। बेकिंग पाउडर हमें अच्छी क्वांटिटी में लेना है। मैंने ये हाफ लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब मैं इसे छान लूँगी। अब इसके बाद हम इसमें अपना मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे। ये मैंने 180 डिग्री लिया है। मैंने 180 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि मैं कोई भी कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं कर रही हूँ। कंडेंस मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका चीनी का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। एंड देन मिल्क पाउडर आप स्किप कर दीजिए क्योंकि कंडेंस मिल्क में खुद ही अच्छा टेस्ट होता है, केक उससे बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप मिल्क पाउडर ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं दूसरे बाउल में लूँगी 1 टीस्पून घी। अब मैं इसमें अपना पाउडर शुगर ऐड करूँगी जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। इसमें अराउंड भर के 2 टीस्पून मैं शुगर पाउडर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना। इसे अच्छे से मिक्स करने से क्या होगा कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, स्पॉन्ज अच्छा बनेगा केक का। इसे मिक्स करके मतलब हमें इसे इकट्ठा कर लेना है पूरा, तब तक हमें इसे फेंटते रहना है। बाई चांस आपको लगे कि आपका घी थोड़ा कम हो गया है और चीनी ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा डाल के मिक्स कर लीजिए। देखिए मिक्स हो गया है अच्छा से। एंड देन हम इसमें अब अपना जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट है वो मिक्स करेंगे। लेकिन फर्स्ट हम जो हमने पहले से मिक्स करके रखा था मैदा, मिल्क पाउडर जो भी है उसमें हम अपना रिमेनिंग जो शुगर है वो इसमें पहले ऐड कर लेंगे। पहले उसमें डालने के बाद जो बचा था वो हम पूरा इसमें डाल लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ही हम उस घी वाले बैटर में उसे मिक्स करेंगे। एंड मैं इसे हम दूध से बना रही हूँ। दूध मैंने लिया है 1 ग्लास। अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, पर इसमें मतलब हमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालना होगा। एक बार में डालेंगे तो क्या पता ज़्यादा हो जाए तो ये जो बैटर है बहुत लिक्विडी हो जाए तो फिर वो बेक होने में बहुत ही बेकार सा होगा, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। और ज़्यादा टाइट आप इसे बैटर को रखेंगे तो केक तो भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा उतना। फर्स्ट हम इसमें मिल्क डालेंगे, जितना पहले थोड़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हमें जितना ज़रूरत लगेगा हम वैसे वैसे डालते रहेंगे। इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ मुझे और ज़रूरत लग रहा है, मैं और जो बचा हुआ है वो डाल लूँगी क्योंकि मैंने दही नहीं लिया है तो मिल्क थोड़ा ज़्यादा लगेगा। पहले थोड़ा 1 ग्लास से थोड़ा कम ही लगता था क्योंकि मैं दही डालती थी और उसमें मैंने अभी कुछ लिक्विड चीज़ नहीं यूज़ किया है तो ये जो दूध है वो ज़्यादा लगेगा। देखिए मिक्स कर लीजिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए कैसी होनी चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। लम्स रहने से बेक होने के बाद केक के बीच में दाना दाना सा आएगा तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसमें अपना फ्लेवर डाल लेंगे। मैं बटर स्कॉच बना रही हूँ,
इसलिए मैं यहाँ पे बटर स्कॉच एसेंस यूज़ कर रही हूँ। ये हम डाल लेंगे इसमें 10 ड्रॉप्स। आपको अगर दूसरा फ्लेवर का बनाना है लाइक पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी या फिर बनाना जो भी, तो आप उसका फ्लेवर डाल लीजिए 10 ड्रॉप्स। एंड देन थोड़ा कलर आने के लिए इसमें फूड कलर यूज़ कर लीजिए। मैं बटर स्कॉच में यहाँ पे थोड़ा ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं ये डाल लूँगी इसमें 1 ड्रॉप। मैंने शुगर इनका जेल कलर लिया है, ये अराउंड 1 ड्रॉप में इसका अच्छा कलर आ जाएगा। आप पाइनएप्पल बना रहे हैं तो येल्लो कलर डाल लीजिए और एसेंस पाइनएप्पल का। स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो पिंक कलर एंड देन स्ट्रॉबेरी एसेंस, तो क्या देखने में थोड़ा सुंदर लगता है केक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अपना बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी मत रखिएगा। मुझे इसमें पूरा 1 ग्लास मिल्क लग गया था। अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड देन हम इसे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने बेकिंग ट्रे में पहले से बटर पेपर लगाया हुआ है एंड देन उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि साइड में वो चिपके ना। वैसे भी बटर पेपर लगाने से नीचे चिपकता नहीं है और बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। एकदम ठंडा होने का वेट करने का ज़रूरत नहीं होता है। हल्का हल्का गर्म जब रहता है तब भी निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया इसमें और अपने ओवन में डालने से पहले हम इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे तभी डालेंगे। टैप करने से क्या होता है कि इसके ऊपर कोई बबल्स नहीं रहेगा तो ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। देखिए टैप कर लीजिए, घुमा घुमा के आप टैप कर लीजिए। उसके बाद आप इसको अपना बेकिंग जिसमें आप बेक करेंगे ओवन या कुकर में उसमें डाल लीजिए। आप इसको कुकर में बना सकते हैं एकदम लो फ्लेम में। मैंने कुकर में बनाना सिखाया था मैंने एक वीडियो में, एंड देन ओवन में भी बनाना सिखाया है केक। अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे 35 मिनट्स बाद देखा था तो ये ऐसे फूल चुका था और ब्राउन हो चुका था। हम इसे टूथपिक से चेक कर लेंगे। ये अभी भी कच्चा है, देखिए चिपक के निकल रहा है, तो हम इसे और 5 मिनट्स पका लेंगे। 5 मिनट्स बाद मैंने चेक किया तो ये पक चुका था, तो हम इसे ठंडा करके डीमोल्ड कर लेंगे। इसमें रखेंगे नहीं, यहाँ से हटा लेंगे पहले, और ठंडा होने के बाद मैंने डीमोल्ड कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।